नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो किसी और का नहीं बल्कि कावड़ियों का है, जो कावड़ यात्रा पर निकले हैं और जगह जगह उपद्रव मचा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि गाजियाबाद में कावड़ मार्ग पर जमकर हंगामा देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि ये कावड़ खंडित होने को लेकर कावड़ियों ने हंगामा कर दिया। इस दौरान कावड़ियों ने एक गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी और आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस द्वारा मामले में जांच करते हुए आगे की वैधानिक कार्रवाइयों पर करने की बात कही जा रही है कि आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल मामला गाजियाबाद के मुरादाबाद इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर पास के ही गांव का रहने वाला एक व्यक्ति गाड़ी लेकर जा रहा था। इस दौरान उसकी गाड़ी किसी कावड़िए से टच हो गई, इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। देखते ही देखते कई कावड़ियों ने एकत्रित होकर गाड़ी को तोड़ दिया और तोड़फोड़ भी साथ में मिलकर शुरू किया। इस दौरान कावड़ियों ने गाड़ी को तोड़ने के बाद उसे सड़क पर पलट दिया। इससे जुड़ा हुआ वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से इस वक्त वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक आपको हम बता दें कि गाड़ी कावड़ मार्ग पर आ गई थी, इस दौरान हंगामा हो गया और फिर मारपीट शुरू हो गई। फिलहाल मौके पर पूरी तरह से शांति और स्थिति को सामान्य कर दिया गया है। पुलिस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है। वही वीडियो में गाड़ी काफी बुरे हाल में नजर आ रही है। गाड़ी को तोड़ने के बाद पलट भी दिया गया, ऐसा लग रहा है जैसा गाड़ी किसी बड़े हादसे का शिकार हो गया है। ऐसे में आप देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में आगे क्या कार्रवाई अमल में लाती है। इतना ही नहीं, आपको हम ये भी बता दें कि उत्तराखंड के रुड़की से कावड़ियों के उत्पाद का मामला सामने आया है, जहां पर कावड़ियों ने एक ई रिक्शा चालक की जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, ई रिक्शा में भी जमकर तोड़फोड़ की गई। पुलिसकर्मी भी कावड़ियों को समझाते रहे और कावड़ियों का उत्पात जारी रहा। इस दौरान कावड़ियों ने पुलिसकर्मियों की एक नहीं सुनी, वे लगातार ई रिक्शा में तोड़फोड़ करते रहे। घायल ई रिक्शा चालक को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। घटना का वीडियो सामने आया है, इसमें कावड़ियों ने ई रिक्शा में तोड़फोड़ करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं मुजफ्फरनगर जिले में कावड़ खंडित होने पर कावड़ियों ने कार चालक के साथ मारपीट कर दी। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में भी घटना घटित हुआ है कावड़ियों द्वारा। दरअसल आपको बता दें कि कावड़ियों ने उसकी कार तोड़ डाली एक व्यक्ति की, साथ ही साथ वहीं दूसरी ओर छपरा क्षेत्र के परेई चौराहे पर कावड़ियों ने एक ढाबे में भी तोड़फोड़ कर दिया है। इस घटना की जानकारी मिलते ही छपरा थानाध्यक्ष पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं और कावड़ियों को समझा बुझाकर शांत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उत्तेजित कावड़ियों ने पुलिसकर्मियों की भी एक नहीं सुनी और अभद्रता करते हुए धक्का मुक्की की। अब सवाल यह उठता है कि कावड़िए जो है लगातार उपद्रव मचा रहे हैं। पुलिस आती है और समझा बुझाकर लड़ाई को और झगड़े को शांत करा देती है, लेकिन कावड़ियों को लेकर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। वहीं आपको मैं भी बताते चले कि न प्रशासन की तरफ से और ना ही शासन की तरफ से। आखिर कब तक कावड़िए इस तरह का उपद्रव मचाते रहेंगे, इस पर शासन और प्रशासन कब लगाम लगा रही है, अब ये देखना होगा। आप इस पूरे मामले पर क्या सोच रखते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया साझा करिएगा। इस खबर में बस इतना ही, देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।